वाला जी, जाखड़ साहब ने आज ट्वीट कर दिया है कि आज दिन था इंदिरा गांधी की बलिदान दिवस है, याद ही नहीं किया किसी ने, किसी कांग्रेसी ने याद ही नहीं करा उनको। देखिए, जो लोग शहीद हुए हैं उनको भूल जाना या उनको याद ना करना ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, ऐसा तो नहीं चाहिए। खासकर इंदिरा गांधी, नहीं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो भी शहीद हुए हैं। और इसके अलावा इंदिरा गांधी जी एक ऐसी नेता थी, ऐसी नेता थी जिनकी मिसाल दुनिया देती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने जो राज किया है वो भी बहुत अच्छा किया है। जब दुश्मन से टक्कर ली है तो उसने दुश्मन के टुकड़े कर दिए हैं, एक के दो बना दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको याद करना ये हमारा फर्ज भी है, हमारा धर्म भी है। कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस खासकर भूल गई है। नहीं, उसमें मैं आपको बात देता हूँ, आज भगवान श्री वाल्मीकि जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसलिए बहुत जगह मनाया जा रहा है। आपको मालूम है कि ये भाईचारा भी पंजाब में बहुत ज़्यादा है, हर जगह मनाया, और हर जगह से उनको बुलाया जाता है। सारे मिनिस्टर आज बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंदिरा जी को भूले नहीं है, ज़रूर घर में से याद करके चले हुए। मदर मदर कहा जाता है उनको, माँ कहा जाता है। जी हाँ, मैं समझता हूँ। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं तो इग्नोर किया गया है, ना कोई इश्तिहार दिया गया, ना किसी तरीके से कुछ मनाया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब सरकार के ऊपर ये आरोप आप ही के पार्टी के पूर्व प्रधान लगा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ, मैं नहीं समझता कि क्या मजबूरी थी चीफ मिनिस्टर साहब चरणजीत सिंह चन्नी की। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको भूल गए हैं लोग या सरकार भूल गई है या कांग्रेसी भूल गए हैं। कैप्टन साहब को किस तरह से बलिदान, कैप्टन साहब अब नई पार्टी बना रहे हैं जी, कैप्टन साहब नई पार्टी बना रहे हैं जी, आपके तो नजदीक रहे हैं, आप क्या आप जाएंगे कैप्टन साहब के साथ? ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, यह सवाल आपको उनसे करना चाहिए, वो क्या चाहते हैं। अगर वो चाहें तो अगर वो चाहेंगे बनाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। नहीं, फिर आप साथ हैं? नहीं, देखेंगे क्या होता है। साथ वो हमारे नेता हैं, पुराने नेता हैं, बहुत बड़े कमाल की बात है। अभी उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो नहीं है ना, अभी तो नई पार्टी बनाते तो नहीं, जब बनाएंगे फिर देखेंगे क्या होता है। वैसे ये बात है कि वो हमारे नेता हैं, कभी भी जैसे हम आज इंदिरा जी को याद करते हैं क्योंकि वो स्वर्गवासी हो गए हैं, वो शहीद हो गए, इसीलिए पुराने नेता को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे मार्गदर्शक भी हैं। उनको जो पर्सनल उनके जो थे मैडम के साथ, जो भी हम कहना नहीं चाहते, लेकिन उसको लेके बड़ी राजनीति हो रही है, करना चाहिए। मैं समझता हूँ किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं झांकना चाहिए, हर आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, नहीं झांकना चाहिए। और जो झांकते हैं, तो मेरा ख्याल है उनका और कोई काम नहीं है सिवाय झांकने के। वो सुखबीर सिंह बादल भी झांक रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी झांक रहे हैं, सुखजिंदर रंधावा भी आपके, ये आप उनसे पूछ रहे हो क्यों झांक रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं, जब मैं इस बात को, ये मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ कि किसी की लाइफ में झांकना अच्छा नहीं है, पर्सनल लाइफ में झांकना अच्छा नहीं है, तो उस पर मैं शेर क्या याद करूँगा और क्यों करूँगा? हैं जी, जो झांक रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? वो बहुत बड़े लोग हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, मैं उनको क्या समझाऊँगा, वो खुद समझदार हैं। जहाँ तक चरणजीत सिंह जी चन्नी की बात है, उनकी जो अचीवमेंट है, उनको जो मिला है वो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि चरणजीत चन्नी जी से मेरे बहुत ज़्यादा पुराने ताल्लुकात हैं, मैं जानता हूँ। हाँ जी, डिजर्व करते हैं वो, डिजर्व करते हैं। और मैं समझता हूँ वहाँ से उठकर यहाँ तक पहुँचना ये छोटी बात नहीं है।